नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर इटली वर्सेस स्विट्जरलैंड। ये है यूरो 2020 का मैच जो कि 17 जून को रात में 12:30 बजे से होगा। पीएसएल का दोस्तों धमाकेदार सीजन शुरू है। फैंटेसी अखाड़ा ऐप पर गारंटीड 4 लाख रुपीज का मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है। 39 रुपीज की एंट्री है, 10% बोनस कैश है। सबसे बेस्ट बात यह है दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा कॉन्टेस्ट फिल ही नहीं होता। इसका ये मतलब है आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज कम लोग के साथ आप कंपटीशन कर रहे हो। मतलब लो कंपटीशन का पूरा पूरा फायदा आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। आपने फटाफट अपनी टीम्स बनानी है। हमारा रेफरल कोड है WINFSP, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हो और ये PSL पर 4 लाख रुपीज़ का गारंटीड मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। एक और यहाँ पे धमाकेदार ऑफर है आपके लिए जो कि इनकी मिनी लीग है। 30,000 रुपीज़ की एंट्री है 1349, जिसमें 5% बोनस कैश आप यूज़ कर सकते हो। 25 लोगों वाली ये लीग है, पर सबसे बेस्ट बात पता है दोस्तों क्या है, 15 लोग के जुड़ते ही ये लाइव हो जाएगी। प्राइस फिर भी 30,000 रहेगा, चाहे 15 लोग हो या 25 लोग हो या 20 लोग हो। कमिटमेंट है, गारंटीड मेगा कॉन्टेस्ट है ये, इसमें आपको 30,000 तक आप जीत सकते हो। सो फटाफट दोस्तों, WINFSP है अपना रेफरल कोड, इस पर्टिकुलर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे खेलना आप शुरू कर सकते हो। लो कंपटीशन है, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। ये गेम है दोस्तों बिटवीन इटली एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पे इफ़ यू सी इटली इज टेबल टॉपर्स फॉर एक मैच खेली जिसमें से वो जीती थी, 3 पॉइंट पर है। और वेल्स और स्विट्जरलैंड ने जो अपना ओपनिंग मैच था वो ड्रॉ किया था। इटली ने 3-0 से टर्की को हराया था। जैसे हमने अब तक की यूरो गेम्स में देखा हुआ है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे रही है, बट कोपा अमेरिका में हमने काफ़ी धमाकेदार गेम्स रखी थी। अर्जेंटीना वाली जो गेम थी उसमें पूरा क्लीन स्वीप करा था हमने। पैराग्वे वाली गेम थी उसमें भी ऑलमोस्ट 80-90% विन हुई थी। पीएसएल में भी अपना जो अभी तक का रिकॉर्ड चल रहा है वो काफ़ी डिसेंट चल रहा है। इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि धमाकेदार टीम देकर आपको जितवा सकें। इन दोनों टीम्स की पिछले कुछ गेम्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, स्विट्जरलैंड अपने पिछली 5 गेम में से 4 गेम जीता है, 1 गेम ड्रॉ करी है, 14 गोल्स इन्होंने स्कोर करे हैं अपने लास्ट 5 गेम्स में। इटली की अपनी ही बहुत उम्दा फॉर्म चल रही है, पिछले 5 गेम में लगातार ये जीते हैं, क्लीन शीट भी रखी है इन्होंने, कुल मिलाकर 18 गोल स्कोर करे हैं। इनफैक्ट इटली का लास्ट 9 मैचेस अगर आप देखोगे अक्रॉस कॉम्पिटिशन, दे वन ईच ऑफ देम एंड दे हैव केप्ट अ क्लीन शीट इन देम। बहुत कम टीम्स के पास दोस्तों ये रिकॉर्ड होता है, जो वो आज की इस गेम में अटेम्प्ट करेंगे कि स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी ये क्लीन शीट से जीत जाए, विच मेक्स इट 10 मैचेस इन अ रो अक्रॉस कॉम्पिटिशन। स्विट्जरलैंड खुद अनबीटन है लास्ट 8 मैचेस में अक्रॉस कॉम्पिटिशन। स्विट्जरलैंड की लास्ट 15 गेम्स अक्रॉस कॉम्पिटिशन देखोगे तो केवल 3 में ही क्लीन शीट रख पाई है। लास्ट 3 गेम्स बिटवीन दीज टू साइड्स हैव बीन ड्रॉस। लास्ट 6 में अगर आप देखोगे तो इटली 2 बार जीती है, स्विट्जरलैंड 1 बार जीती है और 3 गेम ड्रॉ रही है। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक का वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। एक्सपेक्टेड 11 की बात करते हैं तो इटली विल स्टार्ट इन अ 4-3-3 फॉर्मेशन। इंसिग्ने, इमोबिल और बेराटी, ये 3 रहेंगे इनके लिए ऊपर की तरफ। बरेला, जॉर्जिनियो और वेराटी विल बी इन द मिडफील्ड। वेराटी का फिटनेस पे थोड़ा सा कंसर्न है, हो सकता है कि लोकाटेली इनकी जगह पे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि वेराटी स्टार्ट करते हैं मस्ट हैव पिक आप उनको मान सकते हो। जॉर्जिनियो भी काफी बढ़िया यू नो सेंट्रल मिडफील्ड में परफॉर्मेंस दी थी। इमोबिल हैज बीन इन गुड फॉर्म अलॉन्ग विद इंसिग्ने। स्पिनाजोला, चिलानी, बोनुची और लोरेंजो, ये 4 रहेंगे इनके डिफेंस में। गोलकीपर रहेंगे डोनारुमा। स्विट्जरलैंड की तरफ से 3-4-1-2 फॉर्मेशन में दे शुड स्टार्ट एल्बेडी, शार और अकांची, ये 3 रहेंगे इनके सेंट्रल डिफेंस में। बाबू, जाका, जकारिया और रोड्रिगेज, ये 4 रहेंगे इनके मिडफील्ड में। शकीरी, एम्बोलो और सेफेरोविच, ये 3 इनका अटैक लीड करेंगे। ब्रीस एम्बेलो इज अ वेरी गुड पिक, अच्छा खासा ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं इनके स्टैटिस्टिक्स तो थोड़ी सी आइडिया लग जाएगी आपको कि क्यों मैं आपको कह रहा हूँ ये। इटली के 2021 के अगर प्लेयर्स के स्टैट्स अगर आप देखोगे तो बेराडी इनके लिए लीडिंग स्कोर रहे हैं 5 गोल्स एंड 1 असिस्ट के साथ। सीरो इमोबिल ने 4 गोल्स और 3 असिस्ट दी है। बेलोटी के 3 गोल एक असिस्ट, पर बेलोटी इज नॉट अवेलेबल। इंसिग्ने हैज स्कोर्ड 2 गोल्स एंड 6 असिस्ट फॉर देम सो फार। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेराटी नहीं खेलते तो उसकी जगह पे लोकाटेली विल स्टार्ट। डिफेंसिव मिडफील्डर है ये भी, 1 गोल और 2 असिस्ट इनका अब तक आ चुका है। जॉर्जिनियो का 1 गोल 1 असिस्ट है। देखेंगे अगर हम स्विट्जरलैंड के बारे में तो यहाँ पे सेफेरोविच अगेन 3 गोल्स 1 असिस्ट फॉर देम हैज बीन रियली रियली क्रिटिकल। इसके अलावा इफ यू सी ब्रीस एम्बोलो हैज गॉट 2 गोल्स 4 असिस्ट विल बी अगेन लाइक अ मस्ट हैव पिक
इन दिस गेम। शारदान शकीरी हैज स्कोर्ड वन गोल्स एंड थ्री असिस्ट। ग्रेनिट जाका जो कि आर्सेनल के प्लेयर है, इसके दो असिस्ट हैं अब तक की 13 गेम्स में जो ये खेले हैं फॉर स्विट्जरलैंड। यूरो स्पेसिफिक अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो इटली की जो ओपनिंग गेम थी वहाँ पे इमोबिल का एक गोल, एक असिस्ट था, इंसिनिया का एक गोल था और तीसरा गोल जो इनकी गेम में हुआ था वो एक ओन गोल था। स्विट्जरलैंड की तरफ से एम्बोलो ने स्कोर करा था वो गोल जो 1-1 ड्रॉ हुई थी, और शकीरी का उसमें एक असिस्ट था। ओवरऑल इमोबी, इंसिनिया, जॉर्जिनियो, एम्बोलो और शकीरी ये पांच रहेंगे अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन फॉर दिस गेम। जैसे ग्रीनलैंड की तरफ चलते हैं तो हमने इंसिनिया, इमोबिल और एम्बोलो इन तीनों को पिक किया हुआ है। ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरी गुड ऑप्शंस फॉर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दैट यू कैन कंसीडर फॉर योर फैंटेसी टीम्स। मिडफील्ड में वी गॉट शकीरी, जॉर्जिनियो एंड फ्यूलर। इसमें शकीरी एंड जॉर्जिनियो को आप कंसिडर कर सकते हो अपनी टीम्स में एज कैप्टन और वाइस कैप्टन। डिफेंस में हमने बोनुची, चेलनी और स्पिनाजोला तीनों को पिक किया हुआ है एंड यहाँ सोमर है हमारे गोलकीपर। 6 प्लेयर इटली से हैं, 4 स्विट्जरलैंड से हैं, 10 प्लेयर हो चुके हैं, 8.5 क्रेडिट बचे हुए हैं। और अब अगर आप देखोगे पोजिशन वाइज, वी गॉट 3 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स एंड 3 स्ट्राइकर्स, विच मीन्स जो 11वां प्लेयर होगा हमारा वो 8.5 क्रेडिट का प्लेयर होगा जो हमारी टीम को थोड़ा सा बैलेंस कर जाएगा। एंड दिस प्लेयर विल पर्टिकुलरली कम इन टू सूट द स्कोर कार्ड दैट वी आर ट्राइंग टू चेज इन दिस गेम। अगर आप इटली टू विन 1-0 या 2-0 पे जा रहे हो, लोरेंजो कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर फॉर योर टीम्स। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद स्विट्जरलैंड एक गोल स्कोर कर भी जाए तो वेराटी या लोकाटेली, इन दोनों में से जो भी खेलता है वो आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, एक सैम्पल टीम थी, फाइनल टीम नहीं थी। फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में भी छोड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक का वीडियो भी लाइक कर लिया होगा, बिकॉज हमारे लिए दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे हमें खुशी मिलती है। मेहनत हम आपके लिए करते हैं ताकि आपको हम पूरा सपोर्ट दे पाएं। आपने रिटर्न में बस हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें थोड़ी सी तो खुशी मिल जाए कि हमारी एफर्ट्स को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। दोस्तों याद रहे, फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें लत लगने की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करिएगा। जितना अपना रिस्क एपेटाइट हो उसके हिसाब से आप इसमें एंगेज करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से रिसर्च करके पढ़ाई करके इस गेम की तैयारी करना। जल्द मिलूंगा आपसे कई और क्रिकेट फुटबॉल गेम्स की तैयारी के साथ, एनालिसिस के साथ, ताकि आपको और मदद मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम।